हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि आपको किसी स्क्रू को टाइट करना है और आपकी पूरी टूल किट में वो रेंच नहीं है, तो ऐसे केस में आपको नया रेंच खरीदना पड़ता है और वेट करना पड़ता है, मतलब कि आपका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गटर ग्रिप अब इंडिया में अवेलेबल है। अमेजन के थ्रू आप इसको मंगवा सकते हो। तो आइए देखते हैं कि गटर ग्रिप आपका क्या क्या कर सकता है और ये वर्क कैसे करता है। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो दोस्तों, यह है गटर ग्रिप, देख लीजिए कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। अमेजन पर ये अवेलेबल है और आप देखोगे ये आपका एक यूनिवर्सल सॉकेट है जिसके जरिए आप किसी भी टाइप की स्क्रू, चाहे वो आपका यहाँ पर इस टाइप का हो, चाहे आपका यहाँ पर इस टाइप का हेक्सागोनल हो या फिर आपके हुक्स हो, तो इन सभी को ये टाइट कर देगा। 7 to 9 mm के स्क्रूज तक ये वैलिड है। और साथ में दोस्तों आपको मिल जाएगा एक ड्रिल एडेप्टर और आपका एक हैंडल जिसके जरिए आप किसी भी स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर सकते हो। मॉडल है ETC 200। पीछे की साइड को देखा जाए तो यहाँ पर सब कुछ लिखा है कि कैसे वर्क करता है और कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये है कंटेंट जो कि आपको मिलते हैं। यूनिवर्सल अडेप्टर है और ये आपके किसी भी स्क्रू को ग्रिप कर सकता है। एक ड्रिल अडेप्टर भी मिल जाएगा जिसके जरिए आप इस टूल को अपनी पावर ड्रिल के साथ अटैच कर सकते हो। और साथ में एक हैंडल मिल जाएगा जिसके जरिए आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। और इसमें आपको प्लग मिल जाएगा जिसको आप यहाँ पर चेंज करके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल देखा जाए काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के थ्रू आप किसी भी चीज़ को ग्रिप कर सकते हो। आप देख लीजिए, इसमें मिल जाते हैं आपको 54 स्टील के रॉड्स जो कि फिटेड हैं स्प्रिंग के साथ। जैसे आप इसमें कोई स्क्रू को या किसी चीज़ को डालते हो तो ये स्टील की रॉड पीछे हो जाती हैं जहाँ पर ये प्रेशर क्रिएट करती हैं और बाकी स्टील की रॉड वहीं बनी रहती हैं। इस तरीके से दोस्तों ये जो नट है ये आपका ग्रिप हो जाता है। इनकी क्वालिटी की बात करें तो मैंने रिव्यू देखा है, काफ़ी अच्छा रिव्यू है, मतलब कि ये प्रोडक्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। डेली पर्पज़ के लिए तो यहाँ पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बट आप यहाँ पर अगर इक्का दुक्का काम करते हो तो कर सकते हो। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके कुछ इन डेप्थ रिव्यू। ये है मेरा बॉस का GDR 10.8 लिथियम पॉलीमर बेस इम्पैक्ट ड्राइवर। तो इसके साथ दोस्तों ये भी अटैच हो जाएगा और ऐसे केस में मैं अपनी जो कैपेसिटी है उसमें यहाँ पर मल्टीपल कर सकता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, मैं इसको बड़ी आराम से यूज़ कर सकता हूँ और अगर मुझे किसी चीज़ को यहाँ पर खोलना है तो उसको भी आराम से खोल सकता हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस टूल के आने के बाद मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई हैं। अब मैं आराम से किसी भी स्क्रू को, किसी भी नट को आराम से खोल सकता हूं। मुझे यहां पर उसके स्पेसिफिक रेंच को लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से इस मल्टीपर्पज़ या फिर इस एडजस्टेबल रेंच को यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पर कोई नट ख़राब हो जाए, हालांकि अभी मेरे पास ऐसा कोई नट था नहीं जो ख़राब हो चुका, बस उसका जो हेड है वो सर्कुलर ना हो जाए। अगर ये सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा भी यहाँ पर अगर कोई कट बचा हुआ है, ये टूल उसको यहाँ पर आराम से खोल देगा। तो काफ़ी अच्छा टूल है दोस्तों। इस टूल के साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है, अगर आपके नट की डायमेंशन बड़ी हो, जैसे कि इस केस में है, तो इस केस में ये आपका अंदर तक पहुँच नहीं पाएगा। जैसे कि इसके कार्टन में ही लिखा हुआ है कि ये 1 inch आउटसाइड डायमीटर को सपोर्ट करता है, मतलब कि 2.5 cm को सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये 1 inch से ज़्यादा है और ऐसे केस में ये इस स्क्रू को नहीं पकड़ पाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस भी स्क्रू को या जिस भी नट को आप यहाँ पर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो वो 1 inch गहरा ना हो। तो यहाँ पर 1 inch गहरा नहीं निकाल पाएगा, अगर 1 inch से कम है तो आराम से ये इसको खोल सकता है। इसके सिवाय देखा जाए तो दोस्तों ये गटर ग्रिप ऐसे ऐसे सिनेरियो में वर्क कर सकती है जिस सिनेरियो में दोस्तों आपका जो नॉर्मल टूल्स है वो वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल टूल्स ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मल्टीपल रेंच ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि इस बॉक्स को मुझे अब ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंगल इसी टूल से सारे नट्स को ड्राइव कर सकता हूँ। दोस्तों, जाने से पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये गटर ग्रिप कैसे वर्क करती है। इसके अंदर आपको 54 स्टील की रॉड लगी हुई है और ये स्टील की रॉड फिटेड है पीछे से स्प्रिंग से, मतलब कि हर इंडिविजुअल रॉड के साथ स्प्रिंग लगी हुई है। आप इंडिविजुअल रॉड को यहाँ पर दबा सकते हो। तो फिलहाल ऐसे केस में क्या होता है, जब आपका नट का हेड यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो नट के हेड के नीचे जितनी भी ये पिंस आती हैं ये आपकी दब जाती हैं, जबकि जो साइड पिंस हैं वो आपकी उठी रह जाती हैं। तो ऐसे केस में जो साइड पिंस होती हैं वो इसको ग्रिप कर देती हैं और ऐसे केस में आप इसको यूनिवर्सली यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल ये इसी के लिए नहीं, यहाँ पर अगर आपके पास कुछ और भी हैं तो उसको भी आराम से ग्रिप कर लेगा। देख लीजिए, वही पिंस दबी हैं जो कि इस ब्लेड की
बिल्कुल नीचे हैं, बाकी जो पिंस हैं उस ब्लेड को ग्रिप करने के काम आती हैं। ऐसे केस में आप इस ब्लेड को ग्रिप कर सकते हो और इसको ड्राइव कर सकते हो। तो फंडामेंटल काफ़ी आसान है और मैं इतना ही कहूँगा काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, अब तक का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि मैंने पावर टूल्स में लिया है। तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप भी ऐसे कोई पावर टूल ढूंढ रहे थे मल्टीपल रेंचेस का जो काम कर सके, तो ये टूल यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये टूल मुझे ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।